देखिए निखिल जी, आपकी माँ को वहाँ पे देखकर निमिषा बहुत डर गई है, और अब अचानक से आपकी माँ और पापा वहाँ जा रहे हैं। आप उससे बात करेंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। आज जब आपके माँ और पापा वहाँ बाबा से बात करेंगे, मेरा मतलब है अगर वो निमिषा की शिकायत करे तो प्लीज आपको उसके साथ खड़ा होना होगा, आपको उसका साथ देना होगा। निखिल जी, एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है अगर ऐसी कोई बात उसके माँ पापा या परिवार तक पहुंच जाए। चाय लीजिए, समोसा भी हाथ हाथ है। नहीं बेटा, हम खाना खाकर चले। गुरुजी, अनंत और नव्या कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो अनंत कुछ काम से बाहर गया है, और नव्या को भी कुछ काम था, बाहर गई हुई। संधि जी, मैं सोच रहा था कि पंडित जी को भी बुला लेते तो तुरंत मुहूर्त निकल जाता। नव्या, तुम्हें निखिल से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? अनंत, वो निमिषा और निखिल के बीच जो भी था वो उनके बीच में है, तुम्हें उनकी प्रॉब्लम्स पर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझा लेंगे यार। अनंत, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। तो वेट करना चाहिए था ना मेरा, होली पे भी तुमने मुझसे छुपाया। अनंत और नव्या घर छोड़कर जा चुके हैं। देखिए, घर घर में माटी चूल्हा है, क्या हुआ होगा, अनंत क्यों घर छोड़कर गया होगा, हमें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। नव्या, बहाने मत बनाओ। अनंत, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। प्लीज अनंत, गुस्सा मत हो। नव्या, तुम मुझे समझा रही हो और खुद नहीं समझ रही हो। कुछ भी हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुई, तो बाबा, पापा, बुआ, दादी सब तुम पे ही उंगली उठाएंगे।